उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल अनवार, उम्मुल आइमा, उम्मुल मासूमीन, उम्मुल अलूम, उम्मुल हुदा, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन, उम्मुल अब्बास व उम्म अबीहा अल सैयदफा। ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بلند الصلوات मोहिबान नबी व अहले बैत नबी हुबदारान अहले बैत व आशिकान हुसैन व ज़ायरीन करबला दुआए मखदूमा आलमियान शहजादी कुनैन आपकी इस मुकद्दस सरजमीन पे हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए आपको बार बार हर बार कई बार करबला आने की तौफीक अता फरमाए आपको करबला सोचने की करबला समझने की और करबला की मारिफत नसीब फरमाए मेरा मालिक जितने भी हुसैन के दरवाजे पे हुर बनने के लिए आए हैं मेरा मालिक उन तमाम को हुसैन की दहलीज पे झुकने का सलीका अता फरमाए हमें करीम से करीम हुसैन मांगने की सलाहियत अता फरमाए हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में जनाब शबीर के अज़ादारों में फरमाए दुआओं की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए अल्लाह बहुत से मोमिनीन ने बहुत सी मोमिनात ने मुझ तक दुआएं पहुंचाई हैं लेकिन मैं ये समझूंगा कि जिस जगह पे हम बैठे हैं ये कबूलियत की मेराज है वो दुआएं मालिक के हजूर मालिक के रूबरू पेश करते हैं मेरे शहनशाह उन दुआओं को यकीनन कबूल फरमाएंगे सलवात सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ लें इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जा सके सिलसिला गुफ्तगू पहली मजलिस से आपकी समातों को हदिया किया जा रहा है अमादा है जी गुफ्तगू शुरू की जा सके सिलसिला गुफ्तगू एक इंतहाई आसन मौजू एक इंतहाई मुश्किल तरीन मौजू एक इंतहाई हसास तरीन मौजू मैं शुरू कर चुका हूँ कि कत्ल हुसैन की वजूहत कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में कौन कौन शरीक था क्योंकि हमसे मुद्दत पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शियों ने हुसैन का कत्ल किया तो फिर आने वाली मजलिसों में मैं बताऊंगा कि हुसैन के कातल का ताल्लुक किस किस घर से था कातलाने हुसैन कौन थे किसके बेटे थे किसकी नस्ल से थे तो लिहाजा ये तमाम शजरे हम करबला में खोलेंगे ताकि हुसैन के रूबरू हुसैन के कातलों के चेहरों से नकाब उतारे जा सके मैंने गुज़िश्ता मजालस में आपके सामने ये बात अर्ज की कि कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद ही एक शरीक नहीं था मतवजे रहेंगे क्योंकि होशियार लोगों का एक तरीका कार होता है जब ये कोई वारदात करते हैं तो अपना एक शख्स पेश करके बाकियों को बचा लेते हैं जब कहीं किसी भी जगह पे कत्ल की वारदात हो और जब मुकदमा दर्ज हो तो वहां सिर्फ ये नहीं लिखा जाता किसने मारा वहां यह भी देखा जाता है तफ्तीशी अदारे उसकी तफ्तीश करते हैं भेजा किसने था आला एक कत्ल कहां से आया जाए वारदात पे छोड़ के कौन गया था और उन तमाम अफराद को आप ज़हन मेरी तरफ करें आप ये इंतजामी सिलसिलों को छोड़े उन तमाम अहबाब को तफ्तीश के दायरे में लिया जाता है कि ये सारे ही कत्ल में शरीक हैं लेकिन करबला में बैठ के मैं पहला सवाल उम्मत मुसलमान के सामने रखने लगा हूं पहले बताओ यजीद को तख्त में बिठाया किसने था आए कत्ले हुसैन की जड़ तक पहुंचे हुसैन के कातल को हुसैन के दुश्मन को उसके घर से जाके निकाल यजीद खुद ही तो तख्त पे आके नहीं बैठ गए इसका मतलब है कि यजीद को उसके बाप ने तख्त पे बिठाया इसका मतलब कत्ले हुसैन में बाप भी शरीक था अब अगर यजीद को उसके बाप ने बैठाया था अब अगला सवाल यह है उसके बाप को दमिश्क का गवर्नर किसने बनाया अब ये बात बहुत आगे तक जाएगी कि किस हकूमत के कहने पे किसके दौरे हकूमत पे उसे दमिश्क का गवर्नर बनाया गया अब जिस हाकम ने उसे दमिश्क का गवर्नर बनाया था अब मैं करबला में हूं मुझे कोई खौफ नहीं है अब मुझे कोई डर नहीं है अब मसलहत के ताले हुसैन ने तोड़ दिए हैं
अब जितने अल्जाम मैंने अपने कांधों पे उठाने थे वो हमारे उठा लिए हैं। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। अब मैं नाम ले लेके बताऊंगा कि कातलाने हुसैन कौन कौन थे। अब बगैर खौफ, अब बगैर खतरा, अब मुझे एक लम्हे के लिए हैदर भाई खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब्बास के साए में पड़ा। मिंबर वही है, लहजा वही है, खतीब वही है, सिर्फ मेजबान बदला है। अब है मेजबान हुसैन इब्ने अली। अब हमें बताओ यजीद को तख्त पे किसने बिठाया, उसके बाप, उसके बाप को दमिश्क का हाकम किसने बनाया, तीसरे खलीफा, तीसरे खलीफा को खिलाफत के लिए मुंतखब किसने किया, शूरा कमेटी ने, वो कमेटी किसने बनाई थी, दूसरे खलीफा ने, दूसरे खलीफा को नामजद किसने किया था, पहले खलीफा ने, पहला खलीफा किसने बनाया था, सकीफा बनी सादा से, इसका मतलब कत्ले हुसैन यजीद के घर से निकल के सकीफा तक चला गया। कातलाने हुसैन, कातलाने हुसैन, ये साजिश, ये साजिश, ये साजिश मेरी मजबूरी है, किसी आम शख्स का कत्ल नहीं, मेरे पीर का कत्ल है, मेरे मौला का कत्ल है, मेरे आका का कत्ल है। मैं देखूं किसी का बाप मारा जाए और वो कातल को मोहलत दे और कातल के लिए नरम जज्बात रखे। मेरे रहबर का कत्ल है, रसूल के बेटे का कत्ल है, यजीद में इतनी जुर्रत कहां से आई, इसका मतलब यजीद को यह जुर्रत दी गई। कत्ले हुसैन की जड़ें सकीफा से निकली। हम हैं इमामत वाले, हुसैन इमामत का नुमाइंदा था, यजीद मलूकियत का नुमाइंदा। रसूल अपनी जिंदगी में एक हदीस कह के गए थे, जिस हदीस को बगैर लड़ाई के सब मुर्रखीन और मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने लिख दिया कि मेरे जाने के बाद मेरे 12 खुल्फा होंगे। इस हदीस को किसी ने इनकार नहीं किया, सब ने। हमारे नजदीक वो उलादे रसूल, वो बादत रसूल अली से लेके कायम थे, लेकिन जिन्होंने इमामत को नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं नहीं, रसूल के बाद, यही हदीस को हम लेके आगे चलेंगे, लेकिन रसूल के बाद खिलाफत राशिदा, 4 खुल्फा, फिर 5वां माविया। अब यहां पे आके फिर मुअर्रख रुक गया। अब मुअर्रख की जुबान के हाल लड़खड़ा गई, क्योंकि गिनती तो पूरी करनी थी। उसे लिखा छठा खलीफा यजीद, इमामत तीसरे नंबर पे हुसैन, खिलाफत में छठे नंबर पर यजीद। फिका अकबर शरा उठा के देख लो, जहां खिलाफत की तादाद लिखी है उन्होंने छठे नंबर पे खलीफा लिखा। इमामत उभरती उभरती इतनी उभर गई कि तीसरे नंबर पे हुसैन आ गए। खिलाफत गिरती गिरती इतनी गिर गई के छठे नंबर पर यजीद। हुसैन इमामत का नुमाइंदा, यजीद खिलाफत का नुमाइंदा। दो ही तो मजहब है, यह है खिलाफत वाला, यह है इमामत वाला। हुसैन इमामत के नुमाइंदे, यजीद खिलाफत का नुमाइंदा। आज लोग कहते नहीं जी, हम आपके साथ हैं, शियों के साथ हैं, हुसैन हक में थे, हुसैन सही थे। बिल्कुल यजीद गलत था। सिर्फ इसलिए यजीद को गलत कह दिया कि किसी तरह हम हुसैन के कैंप में आ जाए। यानी कि पहली दो इमामतों पे उन दो इमामों का साथ नहीं दिया। जब उधर यजीद जैसा बद किरदार आ गया, फिर भाग की उम्मत हुसैन के पास आ गई। हम भी हुसैन के साथ, हम आत्म नहीं करते लेकिन हम हुसैन के साथ। बिल्कुल हुसैन सही थे, बिल्कुल यजीद गलत था, हुसैन सही था। हुसैन को सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। ये आप कह ही नहीं सकते कि सिर्फ हुसैन सही। हुसैन एक निजाम की नुमाइंदगी का, अगर आपने हुसैन को सही कहना है तो आपको कहना पड़ेगा हुसैन का सारा निजाम सही था। अगर आपने यजीद को गलत कहना है तो सिर्फ यजीद गलत नहीं, जिस सिस्टम के तहत वो खलीफा बना था वो सारे का सारा सिस्टम गलत था। आप एक शख्स को गलत नहीं कह सकते। यजीद अपनी मर्जी से खलीफा नहीं बना था,
آپ بتائیں کہ اس کو خلافت تک پہنچ یعنی کہ ممبر رسول پہ یزید جیسا بد کردار آ جائے. اور میں ہر مجلس میں کہتا جا رہا ہوں اپنے سامعین کو ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بٹھاتا جا رہا ہوں کہ قتل حسین کو نبی کے جانے کے 1000 سال بعد نہیں ہوا, 50 سال بعد. ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے حسین رسول کے کاندھوں پہ دیکھا تھا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا تھا یا یزید کا دیا تھا؟ آج بھی دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا جی, آج کا ورلڈ میپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کے 7 دراعظم جو اس وقت دنیا کو جن ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے, آج کے دنیا کے نقشے کے مطابق 6 دراعظموں میں یزید اپنی حکومت بنا چکا ہے. اس کی حکومت کا رقبہ شام سے نکل کے تمہارے ملک پاکستان جو بڑے صغیر تھا اس وقت اس کے ملتان تک جاتا, پورا عرب اس کے انڈر تھا, شام اس کے پاس آ گیا تھا, فلسطین, اردن, بحرین, یمن, مصر, یہ کون کون سے میں نام لوں جہاں اس کے گورنر جا کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب اس پوری دنیا میں جہاں جہاں ملک میں مسلمان بستے تھے انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی, بیعت ہو چکی تھی. اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں مسلمانوں نے اس دور میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یا تو شیعہ کہلوانا چھوڑ دو, اگر بننا تو پکے بننا. زیارت عاشورا میں معصوم کہتے ہیں کہ لعنت ہو ان پہ جنہوں نے حسین کے قاتل کی بیعت کی تھی. اللہم لعن شایعت و بیعت, جنہوں نے مشورہ دیا شرکت کی یا بیعت. اس دور کے کروڑوں مسلمانوں نے, کروڑوں لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اس کا مطلب انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اب مجھے کوئی عالم دین سے جا کے لکھوا کے بتائے کہ جن کروڑوں نے بٹھائی, جن کروڑوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی, جن کروڑوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, اب آئے مجھے بتائیں کہ روح اسلام کے مطابق ان کا سٹیٹس کیا ہے. آپ متوجہ رہے, میں بالکل حقائق وہ ہیں جو کربلا میں دینے چاہیے وہ دینے لگا. جن کروڑوں لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اسلام کی شریعت کے مطابق, کیا وہ مسلمان رہے؟ نسے قرآن یہ کہتی ہے اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کر لے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے. اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے کروڑوں مسلمان جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے. بغیر جنگ لڑے حسین جیت گئے. جو مدت سے نکل نہیں رہے تھے حسین نے ایک انکار سے نکال دیا. ادھر تخت, ادھر تاج, ادھر حکومت, کروڑوں لوگ گئے اسلام کے دائرے سے نکل گئے. اب آئیں علماء سے پوچھیں اگر یہ دوبارہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو کیا کریں؟ وہ کہتے تجدید بیعت. یہ دوبارہ کسی معصوم کے پاس آئیں گے, پچھلے گناہ کی معافی مانگیں گے, اور اس گناہ کی معافی سوائے معصوم تو کوئی نہیں دے سکتا. پھر اس معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, پھر یہ اسلام میں آئیں گے, پھر یہ مسلمان ہو گئے, پھر اسلام کے دائرے میں آئیں گے. اب اس کا مطلب ہے انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی, حسین نے وطن چھوڑ دیا, میرے شہنشاہی سریکستان میں آ کے سو گئے, اگلے امام بن گئے سید الساجد. اب امت نے آنا تھا مولا سجاد کے پاس, پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی تھی اور معافی مانگنی تھی. مولا سجاد جا کے شام کے زندان میں بیٹھ گئے. اب 1 سال سجاد شام بیٹھے رہے. اب مجھے مولوی صرف اتنا بتائیں, وہ پورے 1.5-2 سال امت مسلمان رہی ہے یا کافر رہی؟ حسین کی جب ہم جڑ تک پہنچیں گے کہ یہ جڑ, یہ شروع کہاں سے ہوا, یہ خنجر جو کربلا میں چلا یہ تیز سقیفہ میں ہوا. میں پچھلی مجالس میں بیان کر چکا ہوں, پہلی خلافت کا دور, دوسری خلافت کا دور, تیسری خلافت کے دور میں امویوں کو مضبوط کر دیا گیا, بنی امیہ کو مضبوط کر دیا گیا, ایک خاندان کو مضبوط کر دیا گیا. آؤ تھوڑا سا پیچھے جاؤ, ایک واقعہ لے کے آگے چلوں گا. بنی امیہ کا سب سے بڑا سردار تھا, نام اس کا ابو سفیان تھا. جب پہلی خلافت کا دور ہوا, جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہلا خلیفہ بنایا مسلمانوں نے, جب پہلے خلیفہ کی بیعت ہو رہی تھی, یہ جتنی بات میں کر رہا ہوں یہ شیعہ ہسٹری نہیں ہے, یہ اہل سنت ہسٹری نے بھی لکھا ہے. جب پہلی خلافت ہو رہی تھی سقیفہ بنی سعدہ میں اور مسلمان
सुलेमान अपना अमीर मुंतखिब कर रहे थे, तो यही अबू सुफियान को जब पता चला कि सकीफा बनी सादा में महाजर और अंसार इकट्ठे हो गए हैं और नबी का खलीफा चुन रहे हैं, ये चलता चलता रसूल के दरवाजे पे, अली के दरवाजे पे आया और अमीर अल मोमिनीन को बुला के अबू सुफियान एक जुमला कहा जिसे अबुल आला मदूदी भी लिख गया, जिसे इब्ने खल्दून भी लिख गया, जिसे शिबली नुमानी भी लिख गया, जिसे तमाम मुअर्रिखीन ने लिख दिया कि अबू सुफियान ने आके मौला अमीर अल मोमिनीन से कहा, ए अली, जुमला सुन अबू सुफियान, ए अली खिलाफत छोटे कबीलों में जा रही है। काश कोई बंदा जुमला समझे, ये जुमला है तुम्हारे बड़े का कि खिलाफत छोटे कबीलों में जा रही है, उन्हें छोटे कहना हमने शुरू नहीं किया, ये पहले सबसे पहले अबू सुफियान ने जुमला कहा था, ए अली मैं बिल्कुल वो लफ्ज कह रहा हूं, खिलाफत और हुकूमत छोटे खानदानों में जा रही है, जबकि मक्का के बड़े खानदान दो ही, या तुम हाशमी या हम उम्मी, या बनी उमैया या बनी हाशम, ये किया कि बादस रसूल हुकूमत ना हाशमियों के पास जाए ना उम्मीयों के पास जाए, और हुकूमत इन छोटे कबीलों के लोगों के पास चली जाए। अगला जुमला अबू सुफियान का सुना, उसने कहा, ए अली उठिए अपने हक के लिए, मैं मदीने की गलियों को, लफ्जों का जामन हो, हर्फों का जामन हो, शेर जबर का जामन हो, मैं मदीने की गलियों को सवारों और प्यादों से भर दूंगा, आप अपने हक के लिए उठे, लश्कर मेरा, घोड़े मेरे, सिपाही मेरे, उठे इनसे हुकूमत छीने। अब यहां अगर अली उठता तो उम्मी लश्कर अली के पीछे चल रहा था, साजिश जहन में थी कि यही पे हम खत्म कर देंगे हर चीज को। मौला अली इब्ने अबी तालिब ने कब्जा एक तलवार से सर को उठाया, एक दफा यजीद के ताते को देखा और देख के एक ही जुमला कह के अली ने सर को वहीं पे झुकाया और घर की जानिब चल दिए। अली ने कहा, अबू सुफियान तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? ये जुमला मेरा नहीं है, ये है मेरे शहनशाह अली इब्ने अबी तालिब का, ए अबू सुफियान तू इस्लाम का, इसे कहते हैं साहिब नहजुल बलागा, जो कुछ ना भी बोल के सब कुछ बोल दे। मौला ने ये जुमला कहा तू कब से, यानी कि कभी भी नहीं था। और अगला जरा मारिफत में जाना इस जुमले की, क्योंकि इमाम का कलाम कलामों का इमाम हुआ है। इमाम ने क्या कहा, तू इस्लाम का हमदर्द कब के होगा? रुको रुको रुको, ए मेरे शहनशाह अली इब्ने अबी तालिब, मेरे मौला आप ये कहते, क्योंकि वहां पर दो ही पार्टियां थी, वो हुकूमत ले रहे थे या अली को लेनी चाहिए थी, तो अबू सुफियान ने जब ये जुमला कहा तो आप ये कहते, ए अबू सुफियान तू अली का हमदर्द कब से हो गया? कहां चले गए वो मोहतरम सामीन जिन्हें मैं हिस्ट्री सुनाना चाह रहा था? मौला फरमा देते, ए अबू सुफियान तू अबू तालिब के बेटों का हमदर्द कब से हो गया? तू हाशमियों का हमदर्द कब से हो गया? तू अली का हमदर्द कब से हो गया? मौला ने ये नहीं कहा अबू तालिब के बेटे अली, फरमा तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? इसका मतलब है कि अली जान रहे थे कि उधर कुफ्र है इधर इस्लाम है, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? अब यही उम्मी अब पहली खिलाफत का दौर, दूसरी खिलाफत का दौर तो आराम से गुजरा। पहली खिलाफत के दौर में, पहली खिलाफत का दौर खिलाफत को इख्तदार को मजबूत करते करते एक मुख्तसर था, दुरानिया था, गुजर गया। दूसरी खिलाफत का दौर आया तो अब यही अबू सुफियान दूसरे खलीफा के पास आया, उसने कहा देख हमने तेरी हुकूमत को मजबूत किया है, अब तुम आहला ओहदे बेहतरीन ओहदे हमारे खानदान को दे। मैं ये हिस्ट्री, ये सच्चाइयां, ये हकायक आपके सामने। दूसरे खलीफा के दौर में उमवियों के एक इंतहाई बुरे नाम लश्कर इस्लाम की सिपा सलारी दी। ये कौन था? सिर्फ मेरी कौम बेशुमार कहना ना सीखे, इन लोगों जिनके किरदार पे बेशुमार कहते हो इनके किरदार को आखिर तक पहले जानो। इसने कहा कि तू खालिद बिन वलीद को आला ओहदा दे। दूसरे खलीफा ने कहा लश्कर इस्लाम का यानी कि उस दौर का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कितना बड़ा होता होता है, पाकिस्तान वाले तो समझे तो कौन समझेगा।
उन्होंने कहा जी ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है ये खालिद बिन वलीद होगा, सारे फौजी मामला जिस मुल्क में जाना है, जिस पे लश्कर कशी करनी है, जो कुछ भी करना है वो इसके जरिए। कौन था ये खालिद बिन वलीद? खालिद बिन वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफयान। अब जरा देखना कि इस्लाम में उम्मी कहां से आ गए। ये वही खालिद था जिसने जंगे उहद में रसूल ने जब दर्रे पे लोग खड़े किए थे, इसी ने पीछे से आकर दर्रे पे हमला किया था। ये मुसलमानों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना और आज मुअर्रखीन ने इसे कहा सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार। ये लकब था अली का, इन्हें था अली से बुग्ज़, इन्होंने लकब अली से चाहा के छीने। नहीं नहीं, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह था। ओए बदबख्तो, अल्लाह की तलवार जिसे चाहो बनाओ, लेकिन होनी शदुल्लाह में चाहिए। कहां चले गए वो लोग जो तारीख सुनने के लिए आए थे? तुम उसे सैफुल्लाह तो बना सकते हो, यदुल्लाह नहीं बना सकते, क्योंकि तलवार चलाई जाती है हाथों से। अल्लाह की तलवार अल्लाह ही के हाथ में अच्छी लगती है। और अगर आप ये कहेंगे कि सैफुल्लाह वो था, तो फिर मैं अगला सवाल करूंगा, ये कौन सी अल्लाह की तलवार थी जो पहले काफरों के हाथ में रही फिर मुसलमानों? अब ये उम्मी है, वलीद को बना दिया गया है, खालिद वलीद बिन उतबा के बेटे खालिद को बना दिया गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दूसरी हुकूमत के दौर में। जब तीसरी हुकूमत आई, फिर आई उमवियों की गई, क्योंकि तीसरे जो खलीफा थे उस्मान बिन उफान बिन हरब बिन उमैया, ये तो थे ही उमवी। तीसरी खिलाफत का दौर आया, इन्होंने बसरे में भी उमवी, मिस्र में भी उमवी, कूफे में भी उमवी, सारा उमवियों का जाल बुन दिया। जब तीसरे खलीफा का कत्ल हो गया, यहां तक गुफ्तगू मेरी रुक गई थी, कल मैं इसी गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ना चाहता था, फिर बात मौला इमाम हसन हुसैन बादशाह के इख्तियार में चली गई। अब यहां से मौला अली का एक दौर शुरू होता है। शियो करबला से करबला को समझ के चलो कि तुम्हारे मौला ने किस दौर में कैसे कैसे फितनों के दौर में कैसे जिंदगी गुजारी। मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपना पाया तख्त हुकूमत जो है, तख्त खिलाफत, उसे कूफे रख दी। कूफा उस दौर में अक्सरियत थी। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कूफा से एक भारी तादाद लेके पहली जंग लड़ी जमल, दूसरी जंग लड़ी सफीन। जमल बिलाखर नतीजे पे पहुंची, सफीन नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, ऐन आखिरी बिल्कुल मरहले में जंग दाखिल हो चुकी थी। और अशअस बिन कैस एक मलाउन जिसे अमर बिन आस ने जंग के दौरान आके 10 लाख दिनार का लालच दिया, 5 लाख दिनार मौके पे दिए, 5 लाख दिनार कहा कि अगर तू अली के लश्कर में से अपना 2000 बंदा हटा दे तो 5 लाख दिनार तुझे हाकम शाम बाद में देगा और तुझे आला ओहदा भी दे देगा। ये अशअस बिन कैसे मलाउन ने एन जीती हुई जंग के दौरान अमर बिन आस से कहा कि तू कुरान नेजों पर उठा लेना और मैं इधर से 2000 बंदा लेकर नारा बुलंद कर दूंगा कि हम माविया से जंग करने आए थे, कुरान से जंग नहीं करने आए थे, अब उधर से कुरान आ गया है, लिहाजा हम अली के साथ नहीं। बिल्कुल एन जंग नतीजे पहुंच चुकी थी। और इधर कैसे किरदार कि जिन्होंने लालच में आके अली छोड़ दिया, पहला किरदार कि 10 लाख दिनार और अली जैसा इमाम छोड़ दिया। और तो दूसरा किरदार माल के अश्तर माविया के खेमे के अंदर पहुंच गया था और यूं जमीन पे गिरा के तलवार को मालिक ने निकाला हुआ था। मालिक की जुल्फे मालिक के कांधों पे थी, मालिक की आंखों में मुद्दत से उमवियों के साथ इंतकाम लेने वाला जज्बा आया। इधर मालिक की तलवार इसकी शहरत के करीब आई या किसी ने कान में कहा अली कहते हैं जंग बंद कर दो, अली कहते हैं जंग बंद कर दो। मालिक अस्तर ने वहीं से तलवार वापस निगाह में रखी। सारी जिंदगी लोग पूछते रहे मालिक बड़ा अच्छा मौका था, तुझे कत्ल कर देना चाहिए था। उसका कैसे कत्ल कर देता, मैंने कलमा इसका नहीं अली का बोला। जहाद जिहाद नारा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सुनते जाइएगा। जिहाद मर्जी से लड़ने का नाम नहीं, अतात इमाम का नाम। आज जिहाद हो ही नहीं सकता, आज मर्जी के मुजाहिद हैं। हुक्म इमाम पे जहाद है, जहाद है एक जहद, एक कोशिश अल्लाह के लिए। लेकिन जिहाद और जंग में फर्क होता है, जंग और होती है जहाद और। आज लोग जंगे करते हैं। मौला ये माल के अश्तर का किरदार, जंगे सफीन बगैर नतीजे के खत्म हो गए, दो हकमेन जो है वो फैसला करेंगे इस पे जंग हो। अब कूफा में मौला नहीं बैठे, मुतवज्जे रहिए क्या बात किया। मौला अमीरुल मोमिनीन कूफा बैठे, जमल बेहतरीन नतीजा, सफीन बगैर नतीजे के। अब जब मौला अली कूफा में आ गए तो अब कूफा में जो किरदार थे उनमें से कुछ लोग, एक हिस्सा ऐसा था जो मोहब्बत अली में लड़ते थे,
एक बड़ी तादाद वो थी जो अली को चौथा खलीफा समझ के अली के साथ, उन्होंने पहले तीन खिलाफतों में उनका साथ भी दिया, अब इन्हें खलीफा को रसूल समझ के इनका साथ दे रहे थे। अब ये तो दूसरा तबका था, इन्होंने अपने आप को कमजोर इसलिए समझा कि अली ने किसी भी जंग में माल लूटने नहीं दिया था, क्योंकि ये मलूकियत का मजाज है इमामत का। इमामत का मजाज तो ये है कि मरहब की बहन भी भाई की लाश पे आती है तो भाई की लाश पे आके कहती आई तुझे रोने थी, लेकिन तेरी लाश देख के अंदाजा हुआ तेरा कातिल बड़ा सखी था। इमामत के यहाँ, इमामत के यहाँ तो माल लूटने की गुंजाइश ही नहीं। इमाम ने कहा नहीं माल नहीं लूटा, ना जमल में लूटने दिया ना सफीन में लूटने दिया। अब ये लोग थक गए, इन्होंने कहा जंग करने के लिए जाते हैं, इतना अरसा सफर में रहते हैं, इतना अरसा जंग करते हैं, वापस घरों को आते हैं तो खाली आ। तो अब यहाँ पर एक तीसरे तबके ने जन्म लिया, वो तीसरे तबके की मैंने आज यहाँ पे वजाहत करनी है, और वही तबका आज के दौर में भी है। लेकिन बड़ी नतीजे वाली बात आ गई है जहां से मैंने पूरी तमहीद बनाई। सबसे पहले उमवियों ने इमामत का मुकाबला किया, लेकिन उमवियों के पास पैसा था, किरदार नहीं था। दौलत इनके पास बेइंतहा, लूटी हुई थी सारी दौलत, खजाने इनके पास बड़े थे, बंदा खरीदना कबीला खरीदना इनके लिए ये था। ये कीमत देखते थे कबीले की, क्या कीमत है, कितने लोगों का कबीला खरीदो, खरीद रहे थे। लेकिन लोग इनके पास दौलत से मुतासर होकर आते थे, किरदार इनके बड़े गंदे थे। यही वजह है कि इनकी दौलत से खरीदे हुए लोग भी कहते थे दिरहम और दिनार इनसे लो, नमाज अली के पीछे पढ़ो, दस्तरखान इनका बड़ा अच्छा है, नमाज अली के पीछे पढ़ने का लुत्फ है। लिहाजा इनके किरदार लोगों को मुतासर नहीं कर रहे थे। अब शैतान ने चाल बदली और उसने एक नया लश्कर बनाया। इस लश्कर को इस्लाम की हिस्ट्री में कहा गया है ख्वारिज। ख्वारिज क्या थे? मैंने क्या पहले कहा था कि तारीख सुन, इनके माथे पे सजदे के निशान थे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी। हाँ हाँ, जाओ ख्वारिज आके देख लो, इसकी पूरी हिस्ट्री, आप शिया नहीं है किसी भी पूछ ले। इतने इबादत गुजार, इतने इबादत गुजार, रातों को जागना, दिन को रोजे की हालत में रहना, हर वक्त इनके हाथों पे तस्बीह, इनका जोहद, इनकी इबादत से लोग डरते थे, बड़े इबादत गुजार है। ये ग्रोह अली के मुकाबले पे उठा, इन्होंने कहा देखो ना हम माविया के साथ हैं ना अली के साथ हैं, वो भी इक्तदार के लिए लड़ रहा है, ये भी इक्तदार के लिए लड़ रहा है, हमें तो दीन इलाही पे अमल करना है, रसूल हमें जो शरीयत दे के गए हम सिर्फ इबादत करेंगे, हमें दोनों में से किसी का साथ देने की जरूरत नहीं। इनकी मुजम्मत पे मौला अली ने कूफे में इन पे लानत के खुतबे पढ़े। अब पढ़ दूं जुमला, हजम करोगे? ये पहले वो लोग थे जो अली के मुकाबले पे सजदे लेके आए थे। इन्होंने अली के मुकाबले पे इबादत गुजारी, सजदे, तकवा, नमाजें, परहेजगारी, मुकद्दस चेहरे, ये लोगों को हटाते थे, इबादत करो अली छोड़ दो, नमाजें पढ़ो अली छोड़ दो। इस तबके ने सबसे ज्यादा नुकसान किया, क्योंकि ये परहेजगारी के लिबादे में थे, क्योंकि ये इबलीस सिर्फ थे, वो भी इबादत गुजार थे, वो जिन्न होके फरिश्तों में बैठ गया था और मासूमों में बैठ के भी नानती था। तकवा, परहेजगारी, सजदे का निशान, जोहद, ये शर्त नहीं है, शर्त है मोहब्बत अली। एक सहाबी ने रसूल के पास आके कहा था या अली नेकियां भी गिनवा दे और बुराइयां की गिनवा दे। उसे कहा था रसूल लंबी फरिस लिखाएंगे कि नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, जकात नेकी है, शराब पीना गुनाह है। मिसाल दे मामले का क्या लिखना चाहता है? उसे कहा नेकियां लिखने आया हूं, गुनाह लिखने आया हूं। रसूल ने चलते चलते कहा हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, हुब्बे अली से बड़ा गुनाह कोई, हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग्ज़े अली से बड़ा। और फिर रसूल ने कहा दिल में बुग्ज़े अली हो तो फिर किसी ने ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना राहे खुदा में दिया हो, 70 हज पैदल में मोहम्मद के साथ किए हो,
सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ गुरबत की हालत में मारा जाए और खुल के लड़ाना हो अली से, नहीं नहीं, एक राई के दाने के बराबर भी दिल में अली के लिए शक हुआ, जहन्नम में मुंह के बल गिराया। ये खवारज थे जिन्होंने अमीर अल-मोमिनीन का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अली का साथ नहीं देंगे। इन्होंने अमीर अल-मोमिनीन के मुकाबले पर लश्कर कशी की और अमीर अल-मोमिनीन के पास अब कूफा में अंसार खत्म हो गए। सिर्फ मुहिब्बीन रह गए, सिर्फ मोहब्बत करने वाले रह गए। वो जो बाकी जिनका लड़ना पेशा था उन्होंने कहा क्यों जाए अली के साथ, पहले भी इतनी जगहों में क्या मिला, क्या ये घरों में बैठ गए। इन्होंने अमीर अल-मोमिनीन का साथ नहीं दिया। मजलूमियत अली सुनना, बेबसी सुनना अपनी इमामत की। मेरे मौला कूफा से निकल के मुकाम नुखैला पे 5 दिन बैठ के लश्कर का इंतजार करते रहे और सिर्फ 2500 लोग अली के साथ चले। हजर बिन अदी, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, हजर बिन अदी लेके आ गए कि मौला ये मैंने लोग इकट्ठे किए हैं, ये आपका साथ देंगे। और अमीर अल-मोमिनीन ने इसी कूफा की दीवार के साथ लग के खड़े होके कूफा में उन लोगों की बेवफाई का शिकवा और गिला किया था कि तुमने इमामत को कमजोर किया है, तुमने मलूकियत को मजबूत कर दिया है। शाम ने कूफा में भी लोग खरीद लिए थे। अब अमीर अल-मोमिनीन जब तीसरी जंग की जानब बढ़े हैं तो ये जंग है नहरवान। बोर हो गए बात से, मुश्किल तरीन मौजू है ही तारीख। अब जब नहरवान के लिए ली गए, ये नहरवान क्योंकि नहर के किनारे पे जंग हुई थी और ये हुई थी काफिरों से नहीं, ये ख्वारज के साथ हुई थी, इन्हीं खारजियों के साथ अली लड़ने के लिए आए थे। अमीर अल-मोमिनीन जब चले तो रस्ते में एक नजूमी था, उसने अली का रास्ता रोका। उसने कहा या अली आप लड़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन मैं नजूमी हूं, मुद्दसे मैं इल्मुल सात का माहर हूं, मैं सितारों की चाल देख लेता हूं, सितारों की चाल इस वक्त बता रही है कि आप जंग जीतेंगे नहीं। अली ने मुस्कुराते हुए कहा तुझे ये नहीं खबर कि सितारों को चाल देता कौन है, बोलो दीवानी के नौकर बैठे, तुम्हें ये खबर नहीं है कि सितारा किसके दरवाजे पे आके गिरता है, जिनकी तू चाल दे के मुझे बता रहा है। तुझे नहीं पता कि सितारा किसके दरवाजे पे आके गिरता है और किसकी कस्में सितारे की अल्लाह ने कुरान में दी है। अब ये नजूमी क्यों आया था, इसकी भी एक राज था। ये तो मौला के लश्कर में आ रहे थे ना अली के साथ मिलकर लड़ने के लिए, इधर नजूमी ने उनके दिलों में शक पैदा किया। उन्होंने फौरन कहा या अली इसने हमेशा ठीक कहा है, अब जरा छांटी देखना, इमामत का छान देखना कि साथ आ रहे हैं। और इमाम ने उनकी भी छांटी की। इमाम ने कहा क्या देखो, उन्होंने कहा वो नजूमी जब भी हमने देखा ये बिल्कुल ठीक कहता है। अब कुछ लोग शक में मुब्तला हो गए, अली के साथ हैं, ये हैं अमली तस्वीरें, बंदे होते अली के साथ ही हैं। शक नहीं जाता, शक नहीं जाता, घर से निकले हैं इमाम के साथ लड़ने के लिए और शक नजूमी के कहने पर। बड़े बड़े लोगों को ऐसे नजूमी धोखा दे देते हैं, ऐसे नजूमियों के कहने पे ना आना। आगे चले और शैतान ने अबलीस ने, क्योंकि अबलीस का मुकाबला डायरेक्ट अली से, क्योंकि अली है तौहीद का नुमाइंदा। अब 5 लोग आए हैं हिस्ट्री कहती रस्ते में जिन्होंने आके कहा या अली खवारज नहर के उस तरफ, आप उस तरफ जाएं, आप इस तरफ गलत आ रहे हैं, डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं है, वो उधर है। अली फरमाया नहीं नहीं वो इधर ही है। अब इसी में तारीख कहती है एक नौजवान है जो मौला अली के लश्कर में, और उसने कहा कि मैंने जब 5 लोगों की गवाहियां सुनी और अली ने 5ों की गवाहियां मुस्तरद की तो उसने कहा अगर नहर में जिस तरह 5 लोगों ने कहा अगर लश्कर उधर हुआ ना तो मैं माजल्ला अली को कतल करूंगा। यानी कि अकीदे इतने कमजोर हो चुके थे, इतने कमजोर अकीदे हो चुके थे कि अली को होते हुए अली को